हेलो। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रश्मि रावत और आप सभी का है बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज देखिए मौसम यहाँ पर किस तरह से हो रखा है। अभी शाम का टाइम है, लगभग 5 बज चुके हैं और सुबह से ही बारिश लगी हुई है और बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया है। तो ये आदि और देखो अब वंशिका निकले हैं क्योंकि बारिश हो रही थी। अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें पड़ रही हैं और कुछ लोग अपना खेतों वगैरह में काम करने लग गए हैं क्योंकि बारिश के बाद क्या होता है कि गांव में जो भी मतलब बोना होता है किसी को मक्की मुंगरी या मिर्च के पौध लगाने होते हैं तो वो काम शुरू हो जाता है। कई बेल वगैरह लगानी होती हैं तो वो शुरू कर देते हैं क्योंकि बरसातें शुरू हो चुकी हैं तो लगाना शुरू कर देते हैं खेती का काम। आराम से चलो, आराम से तो दरवाजा बंद करके आगे नीचे से चलो। अच्छा मम्मी, ये देखो यहाँ पे मुंगरी बो रही है। वैसे तो पता है क्या, ऐसे छिड़क के बोते हैं पर मम्मी हाथ से ही बो रही है, मतलब एक जगह में डाल रही है और वहीं पर कुदाल से खोद के, क्योंकि खेत पहले ही खोद लिया था। ये देखो मम्मी ने ना हर महीने के गैप से बो रखी है मुंगरी, ताकि मतलब थोड़े थोड़े दिन बाद पकते रहेंगे, कुछ छोटी कुछ बड़ी। हाँ ऐसे। अब वो देखो वहाँ पर होता है वो मीठे करेले बोलते हैं उसे कहीं, और कहीं बोलते हैं परमल, उसकी बेल जा रखी है, सब्जी बनती है जिसकी। हाँ हाँ सब्जी बनाई हमने उसकी, बड़े बड़े नहीं मुंगरे। हाँ ये देखो बोड़े और नहीं फाग बोड़े ले मुंगे। ये देखो ये बाकी जो निकाली थी गाय के लिए। अच्छा ये देखो मम्मी ले जा रही है कुछ निकाल कर, और यहाँ पर ये ताऊजी लोग आ रहे हैं। बड़ा नमस्ते, और नमस्ते, और खूब चला। हाँ 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 लगो बॉडी के बुतना ही। अच्छा हाँ बुढ़ी और खूब चलो। हाँ हाँ बुढ़ी हाँ भी तो अभी हमें ताऊ ताई जी मिले थे, वंशी वो कह रहे थे कि मम्मी के बराबर हो गई, सब खेत में जा रहे हैं काम करने के लिए। ये देखो हीरा को कैसे देख रही है बाहर, हीरा ये हमारी प्यारी बाची हीरा। आदि कह रहा मुझे भी ले जाओ। कहाँ ले जाओ, हम नहीं ले जाएंगे तुमको। देखो नानी ने छपका दी उनकी जड़, अब देंगे उनको घास गाय को। गाय खा ली। हाँ नहीं मम्मी अंदर ही है गाय, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है ना। नानी क्या बुतना चाहो। हाँ बरखा शुरू हुआ थे, लगियो काम पर। अच्छा यहाँ पर ताई जी ने बूत लिया मुंगरी। अच्छा 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 सब कुछ है, सब कुछ बोना है बोली इसी खेत में। हाँ 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 चलो बढ़िया, बूतो बूतो। ये देखो ये है हमारा पुराना घर, जो पहले का घर है ना पुराना, तो ये है यहाँ पर मम्मी ने घास और लकड़ी रखी होती है ये। और यहाँ पर ये देखो बोड़ी फार कंगिका नीचे मुंगनी बुतनाई बुतले ना। अच्छा हाँ हाँ बूतो बूतो चकना चो। भाभी यहाँ पर देखो भाभी साफ कर रही है कुछ उड़द दाल। वाह भाभी ने सोचा चलो बारिश हो रही तो मैं दाल दूल साफ कर लेती हूँ। वो देखो अंश भी देख रहा है कारो कारो साफ। वो देखो यहाँ पर मुर्गी और मुर्गे। हाँ देखिए ऊपर आ रही है, देख कैसे कूदने की कोशिश करी आगे ऊपर। यहाँ पर ये मुर्गी बाड़ा है, ये यहाँ पे मुर्गे चारा खा रहे हैं। ये देखो अंशी भी काम करने लगी है। अंशी खेणी गंदी कही जरा क्या है, हैं क्या है। अच्छा ये देखो मम्मी अब कर रही है खेत का काम, इसको पाड़ेंगे पहले फिर खंडला।
खेती का काम कर रहा है। मम्मी लाई है यहाँ पर अरबी, जिसको बोलते हैं गढ़वाली में पिंडोल, और कहीं कहीं लोग पापड़ भी बोलते हैं इसे शायद। और इसको लगाएंगे अब। अब कब निकलो मम्मी है ना, अब तो इसको तब अक्टूबर में निकालेंगे अरबी। ये इस तरीके से ना मोटे मोटे, ये देखो ये लगाएंगे, इन पे ये मुँह आने लगे ना, ये देखो ये इन पे मुँह आने लगे हैं। तो इस तरीके से ज़मीन में इनको गाड़ देंगे, तब इनसे और भी अरबी निकलेगी। होने वाला है खेती, क्या होएगा फिर? फिर मुंगरी हो जाएगी। वाह वाह। अब ये देखो ये बड़े बड़े थे तो इनको काट के लगाएगी मम्मी अब, तब ये सारे खेत के लिए हो जाएगा ना पूरा। ये देखो कुछ कुछ खीरे ककड़ी बोलते जिसे गढ़वाली में, वो लगने भी शुरू हो चुके हैं इसमें थोड़े थोड़े। और यहाँ से ऊपर गांव ऐसे दिखता है, कुछ कुछ घर दिख रहे हैं ना पेड़ के पीछे से, वहाँ भी देखो खेतों में काम कर रही ताई जी, और वहाँ पे काम कर रहे। यहाँ पर छोटे छोटे खेत होते हैं, जैसे कि उधर वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है वो किसी और का, और इतना जो है ये हमारा, और फिर यहाँ पर भी इधर किसी और का होता है, जैसे किसी और ताई का, और फिर उधर किसी और का, इस तरीके से होते हैं। जैसे शहरों में होते हैं ना कि पूरा एक साइड से वहाँ तक एक ही का, यहाँ पर ऐसा हाँ। तो जैसे भाई भाइयों में बटा होता है, पहले तो एक ही भाई का रहा होगा, फिर उनके चार बेटे होंगे तो ऐसे चार टुकड़े हो गए उसके, तो इस तरीके से होते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर कितनी सारी गोरैया बैठी हुई है एक साथ। अब मम्मी ना इनके बीच बीच में मुंगरी भी डाल रही हैं, ताकि अरबी के बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी मुंगरी भी हो जाए। तो अभी हम आ चुके थे छन्नी में, ये हमारी छन्नी है जहाँ पर गाय रहती है उसे छन्नी बोलते हैं। अब मैं चलती हूँ घर, मम्मी गाय का दूध निकाल दिया, तब तक हम चलते हैं। ये देखो अक्षु आ रहा है नीचे से, कहाँ गए थे खेलने के लिए? हाँ जी। अब घर जा रहे हो, रात हो गई है ना, रात होने वाली है मतलब अंधेरा हो गया। तो अब बना रहे हैं हम चाय, क्योंकि शाम का मौसम है, चाय अच्छी लगती है ना। और ये देखो अंशिका चाउमीन, पापा भी आ गए। अच्छा नाना जी लेके आए चाउमीन? आदि आदि ये क्या है, ये क्या लेके आए? अच्छा बिस्किट है, कुकीज है ये, और चाउमीन गर्मा गर्म भोपाल से लेकर आए हैं पापा। कैसी हो रही है? अच्छी है ना, ऐसी चीजें पसंद है आदि को। मैंने कह रहा है मैंने इसलिए बोला आराम से खा, तेरा चम्मच गिर जाएगा। आपका बोलते हैं आपका। बारिश के बाद मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, बिल्कुल साफ क्लियर सा हो गया है, और बादल देखिए किस तरीके से कितने सुंदर लग रहे हैं, जैसे किसी ने रुई बिखेरी होगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।